फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित टेस्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। हमने पिछले वीडियो में इसे कमेंट के लिए बोला था और बच्चों का लगभग सही जवाब आया था। और यहाँ पर जो नए है वो समझ लीजिए ये कैसे होता है। तो देखिए, आपका ये प्यारा भारत है और इस भारत की अगर बात करें, आपके भारत में ये साइड में आपका यहाँ पर चाइना होता है, ठीक है ना। तो आपकी जो भूकंपी प्लेट है वो कुछ इस प्रकार से जाती है, ठीक है, उस प्रकार से जाती है। और जो आपके कॉर्नर पे पड़ते हैं वो राज्य आपके भूकंप से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, ठीक है, जो लगभग आपका इस एरिया में पड़ता है। फिर इसके बाद कच्छ करण है जो आपका ये पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, लगभग आपका यहाँ पड़ता है। लेकिन आपका जो कर्नाटक का पठार है वो लगभग आपका यहाँ पर पड़ता है। तो अब जो इसके पास पास में होगे तो वहीं तो भूकंप आएगा। और भूकंप आया किस में, तो आपके यहाँ पर उत्तराखंड में, कच्छ में और आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आया कहाँ पर, नहीं तो आपके कर्नाटक में नहीं, क्योंकि ये बीच में है और जब बीच में है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया ना। देखिए, ये वाला एरिया आपका जो कह सकते हैं आपका बंगाल की खाड़ी, या कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो चाइना प्लेट से तो टकराता है। तो ऑटोमेटिक जो क्षेत्र भूमि से स्पर्श कर रहा है वो ज़्यादा आपका भूकंपित होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन राइट आपका कह रहा है भूकंपी क्षेत्र में नहीं आता है, अर्थात आपका हो जाएगा बी, कर्नाटक पठार नहीं आता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार, ठीक है, बिहार आपका है, ये आपका सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पर होता है कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार का शोक, तो बोलते हैं कोसी को। किसको बोलते हैं, कोसी को, जो कि नेपाल की गोसाई नाथ चोटी से निकलती है और आपके बिहार में आती है। ये बहुत ज़्यादा आपकी घूमी हुई है, इस कारण से इसे कह सकते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी, आपकी कोसी को, याद रखिएगा। चलिए, अब आपको पढ़ना है, इस वीडियो में ज़्यादा फोकस होगा या ज़्यादा प्रश्न होंगे आपके किसके, तो आपका टॉपिक यहाँ पर हो गया है मिट्टियाँ। हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, जैसे मिट्टी है, वनस्पति है, सिंचाई है, नहरें हैं, जो भी आपके मिलते चले जाएंगे उनको हम पढ़ते जाएंगे बिल्कुल इनके सीरीज में। यहाँ पर आपका क्या, रेगुल अर्थात किसका नाम होता है, जो रेगुल मिट्टी है ये नाम किसका होता है, आपका 279 का हो जाएगा सी, आपकी काली मिट्टी का नाम होता है रेगुल मिट्टी। याद रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है आपकी कौन सी, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि काली मिट्टी का उपयोग होता है वो किस प्रकार की खेती के लिए, तो कपास, अर्थात जो कपास होता है, कपास आपकी काली मिट्टी में खूब होता है, ठीक है ना। और इसका एरिया अगर बात करें कि काली मिट्टी का एरिया कहाँ है, तो आपका जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपको इसका देखने को मिलता है काली मिट्टी का विस्तार, ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए, यहाँ पर कह रहा है आपसे रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो अभी हमने बताया कि रेगुर मिट्टी का विस्तार आपके महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष मिट्टी कहा जाता है, स्वतः कृष मिट्टी कहा जाता है, ये कौन सी मिट्टी है। 281 का आपका सी हो जाएगा, कपास की काली मिट्टी, अर्थात जो काली मिट्टी होती है उसे स्वतः कृष मिट्टी कहते हैं। ये होता है शब्द क्या है, क्योंकि ये शब्द आपका PCS में पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए, जो काली मिट्टी होती है जब गीली होती है तो आपकी कह सकते हैं चिपचिपी होती है, या कह सकते हैं कि काफ़ी नमी युक्त होती है, लेकिन जब सूखती है ना तो ये दरारें छोड़ती है, काफ़ी दरारें छोड़ देती है। और ये पूरे खेत में जब दरारें छोड़ देगी ना, तो दूर से अगर निकल के जाएंगे तो आपको ये खेत ऐसे लगेगा कि जुता हुआ है, कैसा जुता हुआ है। इस कारण ये स्वतः कृष अर्थात ये स्वतः ज्योति मिट्टी होती है, इस कारण से स्वतः कृष मिट्टी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा अब तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर,
282 का ए अर्थात आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, जो लावा मिट्टी है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, कौन से पठार में पाई जाती है। ये पाई जाती है आपके मालवा पठार में। कहाँ पर? मालवा के पठार में आपकी लावा मिट्टी, या कह सकते हैं कि लावा से निर्मित होती है आपकी काली मिट्टी, तो मालवा पठार के क्षेत्र पर क्षेत्र में ही आपका पड़ता है महाराष्ट्र वगैरह। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो वही आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका 84 का आपका ए अर्थात आपकी काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर रखती है, मतलब नमी। ठीक है, यहाँ पर आपका नदी नहीं होगा, यहाँ पर आपका नमी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है वो कह सकते हैं कि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोके रहती है। ये आपकी कौन सी मिट्टी है, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 285 का आपका भी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी होती है, क्या कह सकती है कि सिंचाई की जो कह सकते हैं कि ये नमी अपने में सोखे रहती है, इस कारण ये मिट्टी क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है काली मिट्टी को। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है काली मिट्टी क्योंकि काली मिट्टी से ही ज़्यादा आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं इस कारण से। ठीक है, निष्कर्ष आपसे लैटेराइट मिट्टी मिलती है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है ये आपके भारत के किस राज्य में मिलती है ज़्यादा देखने को, ये मिलती है आपके डी महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है आपकी लैटेराइट मिट्टी, ये आपके एरिया के सामने। ठीक है ना, और जो लैटेराइट मिट्टी होती है ये आपके कह सकते हैं कृषि के लिए कम उपयुक्त होती है, लेकिन ये आपके कह सकते हैं कि आपके उपयुक्त होती है घर के ईंट बनाने में। ठीक है, घर के ईंट बनाने में। ये मिट्टी निर्माण कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बाढ़ एरिया है, अचानक बाढ़ आ जाती है तो क्या होती है, इसके छोटे छोटे कण होते हैं बह जाते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं वही बचते हैं जो कि मजबूत कण होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इस कारण ये मिट्टी बहुत मजबूत हो जाती है, इसलिए घर की ईंट बनाने में काम आती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, और आपके जो कह सकते हैं चाय के लिए सर्वोत्तम मिट्टी आपकी कौन है, लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, तो लैटेराइट मिट्टी जो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, ज्यादा पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, तो ये आपकी जो पाई जाएगी कहां पर, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आपका जो पानी वाला एरिया है, मतलब बहाव वाला एरिया है, वो आपका कहां पर मिलेगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपका ये भारत है और ये मालाबार तट है जो कि केरल में है। ठीक है, और यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है, और इधर आपका कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास आपका असम एरिया में ये भी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आती है, तो ये भी एरिया क्या होती है, थोड़े ढलाऊ वाली होती है और यहाँ पर भी पानी आपका आता है, तो इसीलिए आपकी देखते हैं चाय आपकी होती है असम में होती है ना, वही एरिया वही मिट्टी आपकी यहाँ पर भी होती है मालाबार क्षेत्रों में, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवरक होता जा रहा है। ठीक है ना, तो मृदा प्रारूप लोहे का अधिक होने के कारण आपका ये अनुवरक हो जा रहा है, कौन सा, तो यहाँ पर आपका 288 का हो जाएगा आपका डी अर्थात आपकी लैटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, हमने बताया कि लोहे की मात्रा उसमें ज्यादा से ज्यादा हो जाती है और उर्वरक वाली जो होती है वो सब बह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है वो आपका कौन सी मिट्टी है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी कह सकते हैं आपकी जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कछारी मिट्टी को आपके जलोढ़ मिट्टी को या दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, आपके इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाते हैं, तो आपकी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी कछारी मिट्टी होती है पुरानी, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कह सकते हैं बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और अगर नवीन मिट्टी होती तो नवीन मिट्टी को खादर बोला जाता है। ठीक है, खादर बोला जाता है, ये PCS में पूछा गया था 2018 में, और पेपर उठा के देख लीजिए, ये मत समझिए कि सर बोल देते हैं आया है कि नहीं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो प्रश्न हम बोलते हैं वो आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, वहाँ पर आपकी जो काली मिट्टी थी सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पर आपकी जल धारण मिट्टी सबसे कम है किसकी,
तो यहाँ पर आपका 291 का हो जाएगा आपका यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी। देखिए इसमें तीन चार प्रकार हैं लेकिन बलुई दोमट मिट्टी ये वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो जो दोमट मिट्टी होती है उसमें मिट्टी के जो कैसे कण सकते हैं वो कण आपका कौन होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। मतलब कि देखिए दोमट मिट्टी में बालू भी होता है, चिकना कण होता है, पांसू होता है, इसलिए सभी प्रकार के कण होते हैं, इसलिए आपकी दोमट मिट्टी आपकी उपजाऊ भी होती है। मतलब आपकी सब प्रकार की खेती लगभग इसमें की जा सकती है। ठीक है, गेहूँ चावल वगैरह सब हो जाते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 293 यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, अर्थात आपका जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें से किस जो मात्रा अधिक है वो किस चीज़ की है। तो यहाँ पर 293 का हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी आपकी अधिकता है, तो कैल्शियम की। लेकिन नाइट्रोजन जैसे कि यौगिक आपके कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी एरिया में या आपके राजस्थान में कह सकते हैं कि रेगिस्तान, ठीक है, थार वाले में, तो वहाँ पर आपके नाइट्रोजन की कमी होती है, या आपके पर्वतीय एरियों में जो भी होती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए क्या होते हैं वो कीटों को पकड़ लेते हैं और उनके माध्यम से कह सकते हैं कि उनका जो नाइट्रोजन होता है घसीट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये होते हैं कैक्टस वृक्ष वगैरह होते हैं ना, कीट बच्ची पौधे, वो आपके ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मतलब कि उसमें नाइट्रोजन की कह सकते हैं अधिकता होती है या नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती है, या आपकी कौन सी फसल होती है, ये फसल होती है आपकी जो डी, मटर। अगर आप खेत में मटर बो देते हैं और इसके बाद तोड़ने के बाद उसमें ट्रैक्टर से जुतवा दीजिए, जुतवा देने के बाद क्या होती है उसमें से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी जो यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन आपकी लगभग 46 होती है, वो जरूरत आपकी नहीं पड़ती है जब आपके मटर वगैरह को जुतवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है। अर्थात कि अगर आपकी भूमि का उर्वरक बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में आपको एक फसल लगा दीजिए, आपको उसमें खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगी, वो होती है उड़द। ठीक है, उड़द हो गया, मूंग होता है आपका, ढेंचा हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं सभी आपके होते हैं। देखो जो गांव के लोग होंगे ना वो हमारी लैंग्वेज को समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये आपके होते हैं जो आपके क्या होते हैं, बो देते हैं, इसके बाद उसको उसी में ट्रैक्टर के द्वारा कतरा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो मिट्टी तैयार होती है, तो वो आपकी क्या होती है, एक उर्वरा भरी होती है, अर्थात वो उसमें उर्वरता होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि भारत के कुछ भागों में, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, अर्थात जो लाल मिट्टी होती है तो लाल मिट्टी का कारण क्या होता है। तो लाल मिट्टी में आपकी जो पाई जाती है आपकी कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड की मात्रा, फेरिक ऑक्साइड होने के कारण मिट्टी आपकी लाल होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका मंगल ग्रह है, उसमें भी आपका आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, इस कारण वो भी लाल दिखाई देता है, वैसे आपकी ये हो जाएगी। निष्कर्ष आपसे यहाँ पर कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह आपकी कौन है, अर्थात जो भारतीय मृदा है उसमें किस सूक्ष्म तत्व की कमी है, ये जो आपकी कमी है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, आपके जस्ता की कमी है। ठीक है, जस्ता की कमी है। निष्कर्ष आपसे यहाँ पर कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलेगा वो किस मिट्टी में, 298 का ऑप्शन आपका ए, अर्थात चिकनी मिट्टी में। देखिए चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और इसमें अगर पानी मिला देंगे अर्थात पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी को सोख लेंगे, तो अधिक से अधिक पानी सोखेंगे तो अधिक से अधिक पानी यहाँ पर मिल जाएगा इनको, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, अर्थात जो आपकी तेजाबी मिट्टी होती है या अम्लीय मिट्टी कह सकते हैं, तो वो अगर आपको तेजाबी मिट्टी है या आपकी अम्लीय मिट्टी है उसको कृषि योग्य बनाना है तो उसमें किसका उपयोग कर दें ताकि वो उपजाऊ हो जाए, ये आपकी हो जाएगी ए, अर्थात आपका लाइम, मतलब कि आपका सोडा लाइम के होता है ना चूना वगैरह, उसका प्रयोग कर दीजिए, चूने का प्रयोग कर दीजिए, तो आपकी ये तेजाबी मिट्टी की उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, तो वहाँ पर आपका अगर मिट्टी में खारापन है और क्षारीयता है
तो आप वहाँ पर प्रयोग कर दीजिए किसका, तो यहाँ पर 300 का ऑप्शन आपका बी, खेतों में जिप्सम को उपयोग करिए। ठीक है, खेतों में जिप्सम को उपयोग करेंगे तो खारापन और क्षारीयता ये दोनों ही समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी आपकी जिप्सम से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ठीक है, वही प्रश्न आपका फिर से आया, अर्थात आपका बी यहाँ पर जिप्सम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है ये कौन से एरिया में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर आपकी क्षारीय मृदा काफ़ी पाई जाती है, वो भी यूपी के कह सकते हैं पश्चिमी वाले एरिया में। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, तो चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होगी वो आपकी मिट्टी हो जाएगी यहाँ पर ए, आपकी अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो मृदा अपरदन जो होता है वो सर्वाधिक कौन से एरिया में होता है, ये होता है आपका शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पर, अर्थात जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां पर आपको सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्षरण वगैरह होता ही रहता है, इस वजह से आपका शिवालिक ही श्रेणी हो जाएगा, ढाल भी होती है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन अर्थात इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 305 का हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर आपका चंबल घाटी, अर्थात जो चंबल घाटी है वो आपकी वहाँ पर बहुत मृदा अपरदन होती है और यहाँ पर आपका नदी और नालिका बना देती है, अर्थात यू के आकार बना देती है, यू घाटी और नदी और नालिका, इसी कारण से ये चंबल घाटी आपकी काफ़ी आपकी मृदा अपरदन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, नदी और नालिका के लिए आपका चंबल घाटी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव की समस्या है, तो ये देखिए आपका लगभग जो आपकी वो चंबल एरिया में पड़ेगा, चंबल के क्षेत्र में पड़ेगा, वहाँ पर मिट्टी का कटाव की समस्या ज़्यादा होगी और ये आपकी समस्या मिलेगी आपका क्योंकि वहीं पर आपके एमपी की पड़ता है मुरैना। ठीक है, मुरैना में आपका समस्या काफ़ी है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है, फिर से पढ़ लीजिए कि चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है, ये जो आपका अपरदन हो जाएगा 307 का हो जाएगा डी, अर्थात अभी हमने बताया कि ये औरनालिका अपरदन होता है जो चंबल घाटी में होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, मतलब कि कृषि भूमि में अगर ऐसा कौन सा पौधा उगा दें जिससे अपरदन और अधिक तीव्र से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वहां पर आपका क्लोवर, ठीक है क्लोवर वर्ड आपका इंग्लिश है, इसके अगर आप उगाते हैं तो वहां पर आपका मृदा अपरदन तीव्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, अर्थात मिट्टी की उर्वरता हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपकी कौन सी विधि होती है। ठीक है, तो आपकी 309 का आपका सी हो जाएगा, बीज संशोधन। भाई बीज संशोधन से क्या मिट्टी आपकी सही हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन फसल चक्र से, मिश्रित खेती से, बहुफसली से आपकी मिट्टी की उर्वरता हो सकती है, लेकिन बीज ऐसा नहीं कि नया बीज लाओ तो उसकी उर्वरता नहीं हो सकती। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे आपसे फसल चक्र आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है ये आपकी किसकी वृद्धि के लिए, ये आपकी वृद्धि होती है सी, अर्थात मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु आपकी फसल चक्र आवश्यक होती है। ठीक है ना, अब आपको पढ़ना है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं आपके वन रोपण द्वारा, अर्थात वहाँ पर वनों को ज़्यादा ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी बंधेगी जड़ों से तो जल्दी जल्दी मिट्टी आपकी हटेगी नहीं, इस कारण से आपका सी हो जाएगा वन रोपण द्वारा। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, अरावली पर्वत मिलता है या हिमालय में मिलता है या नीलगिरी मिलता है या आपकी विंध्याचल पर्वत मिलता है, और ये प्रश्न हमारे इस वीडियो का अंतिम है,
जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है। आपको इस प्रश्न का जवाब बताना होगा। रहिए, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।